फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको शेयर मार्केट की और उससे जुड़ी सभी खबरों की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों, ये मेरा नंबर है आपका, ठीक है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए शेयर मार्केट के ऊपर, या आपको शेयर मार्केट का कोर्स सीखना है कैसे शेयर मार्केट में पैसे कमाएँ, कैसे अर्न करें, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में आपको मैं फाइनेंशियल एडवाइजिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई शेयर मार्केट में क्यों हम काम करें, कैसे करें। ओके, मैंने पहले दो वीडियो बनाए थे आपके, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, तो ये उसी सीरीज़ में तीसरा वीडियो है कि आप घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। तो उसमें ये तीसरा वीडियो मेरा है। काफ़ी मैसेज मेरे पास आए थे कि शेयर मार्केट पर आप वीडियो बनाओ सर, हमें सिखाओ। पर मैंने आपको बताया था कि जब मैं फ्री हो पाऊँगा तब मैं टाइम दे पाऊँगा, कि ये काफ़ी टेक्निकल होता है। ये नहीं कि कुछ भी मन में आया बता दिया मैंने आपको, तो इसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो थोड़ा मैं फ्री हो गया हूँ तो मैंने ये वाली सीरीज स्टार्ट कर दी है शेयर मार्केट की, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ शेयर मार्केट कैसे करते हैं, अर्निंग कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या टूल्स होते हैं हमारे शेयर मार्केट में, और मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो अब थोड़ा जब मैं फ्री हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में क्या कैसे करना है। और किसी को भी कोर्स का अगर कुछ सीखना है या कुछ जानना है शेयर मार्केट के बारे में, तो मुझसे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर बात कर सकता है। तो वाई शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में हम क्यों एंट्री करें। नंबर वन, क्विक रिटर्न्स। आपको यहाँ पर अर्निंग, रिटर्न का मतलब अर्निंग है, अच्छी होती है। जितना आप एफडी में एक साल में कमाते हो उतना कई बार आप एक दिन में ही कमा लेते हो। मतलब 5% रिटर्न कमाना एक दिन में शेयर मार्केट में आपके पैसे पे, यानी कि 100 रुपये आपने लगाए तो 105 रुपये करना, अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5% 10% भी आप वन डे में कमा सकते हो, लेकिन इतना बड़ा टारगेट नहीं लेके चलते हैं। अगर 2% भी आप डेली कमा लोगे तो आप मंथ के 40%, 30%, 25% भी आपने कमा लिए तो आपकी अर्निंग अच्छी हो जाती है। सेकंड है हाई ग्रोथ। अर्निंग तो रेगुलर होती होती है, लेकिन साथ में ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपने 10,000 रुपये लगाए और आपने छोड़ दिया उसको, फिर आपने देखा कि 2-3 साल निकल गए, आपने देखा वो तो मेरा पैसा 10,000 के 25,000 हो गए, 30,000 हो गए। तो ग्रोथ इसमें कहीं और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टी में या गोल्ड में या किसी और में, तो वहाँ एक ग्रोथ की एक लिमिट है, एक तरीके से चलती है। लेकिन शेयर मार्केट में ग्रोथ की कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ, अभी एक रेणुका शुगर नाम का स्टॉक आप देखेंगे 16 रुपये पे था अभी मुश्किल से 15 दिन पहले, और बाय कॉल थी उसके ऊपर, तो इस समय वो 35 का चल रहा है, यानी कि 100% रिटर्न उसने दे दिए हैं विद इन 10 डेज ऑफ ट्रेडिंग। तो सोचिए आपका पैसा डबल हो गया गिनती के कितने दिनों के अंदर, 10 दिनों में। तो आपको उसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थर्ड है रेगुलर अर्निंग। शेयर मार्केट में आपको अर्निंग रेगुलर बेसिस पे होती है। ट्रेडिंग आप करेंगे तो डेली कमा सकते हैं आप 2,000, 4,000, 5,000, इसके बारे में आगे बात करूँगा। और आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आप मंथली 10,000, 12,000, 15,000 आराम से कमा सकते हैं। तो ये है आपका तीसरा पॉइंट, शेयर मार्केट में क्यों आपको एंट्री लेनी है। चौथी बात है कि कोई इसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं जो बीकॉम कर रहे हैं या 12th पास हैं, और वो इसमें अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, और साथ में लोगों को भी अब वो कमाना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक कोर्स आप कर लेंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा नॉलेज, और वीडियो आप देखेंगे आगे, बाकी आपको वीडियो में आगे और भी दिखाऊंगा तो आपको नॉलेज मिलती रहेगी। फिर है आपका स्मॉल इन्वेस्टमेंट। आपको 1,00,000 रुपये नहीं लगाने, दुकान खोलनी है 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती है, माल लाना है, ये लाना है, कोई बिजनेस करना है, 25-30 लाख से कम में कोई बिजनेस नहीं होता आपका। एक आप कोचिंग सेंटर भी खोलने जाओगे तो आपको वहाँ भी कम से कम किराया देना पड़ेगा रेगुलर, ठीक है। तो इसलिए नो फिक्स कॉस्ट, यहाँ कोई फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। अगर आप 10,000, 20,000 से शुरुआत करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 लाख से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहें तो 2,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी शेयर मार्केट की यही है कि आप जितना पैसा लगाएं उतने से आपका बिजनेस धंधा शुरू हो जाता है, और अर्निंग उस हिसाब से मिलती है आपको। आप 10,000 रुपये महीने लगा दिए, 20,000 रुपये महीने लगा दिए, तो आप डेली के 2,000 रुपये, 1,000 रुपये कमा सकते हैं, और ज़्यादा भी कमा सकते हैं। कई बार लॉस भी होता है, सब बात करेंगे आगे में। पर ये जो बात है, एक कॉशन, कि ये किसके लिए नहीं है। ओल्ड एज पर्सन जो कि अभी 60 से ऊपर है, रिटायरमेंट के दौर में चल रहे हैं, 50 के ऊपर हैं, तो उनको शेयर मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पहले ही काफ़ी उनके पास टेंशन होती है, तो ज़्यादा उनकी एज बची नहीं होती। तो ऐसे में शेयर मार्केट उनको अगर देखा जाए तो उनको अवॉइड करनी चाहिए, अपनी सेविंग को बरकरार रखें। इम्पेशेंट, जो लोग इम्पेशेंट हैं, है ना, मतलब जिसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिनको फटाफट चाहिए आज लगाया, 1,00,000 रुपये का फ़ायदा आज ही हो जाए, तो उन लोगों को शेयर मार्केट अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे लोग लॉस ज़्यादा करते हैं और वही लोग शेयर मार्केट को बदनाम भी कर देते हैं। तीसरा है इरेशनल पीपल, जिसका बस मन आया, जो आया सुना कर लिया, ये अच्छा शेयर है खरीद लिया, वो अच्छा शेयर है बेच दिया, ऐसे मतलब नहीं चलता। ये जो करेंगे ऐसे लोगों को भी शेयर मार्केट को अवॉइड कर देना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात मैं कर लेता हूँ कि पहले चलो हम बात कर लेते हैं कि पहले अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कमाना, तो पहले कमाई का वीडियो है ये हाउ टू अर्न फ्रॉम होम। काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि अभी जॉब नहीं कर पा रहे, बी कॉम में है, ट्वेल्थ क्लास के अंदर है, जॉब करेंगे, सर्च करेंगे, कोचिंग लेंगे, ये करेंगे, बहुत टाइम लगता है और जॉब सबको नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब तो खासकर नहीं मिलती। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ट्वेल्थ के बाद शेयर मार्केट में एंट्री ले लेते हैं और काफ़ी वो डेली 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक भी कमा रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो आप कितना कमा सकते हैं डिपेंड करता है योर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको 1,000 से 2,000 रुपये हर दिन कमाने हैं तो कम से कम आपको मेरे हिसाब से 25,000 रुपये की रिक्वायरमेंट होगी कैपिटल की। अगर आपको 2 से 5,000 डेली कमाने हैं तो आपको 30 से 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है। और आपको लगता है कि नहीं मेरे पैसे कम है, तो आप 5-10,000 तक लगा के भी 500 से 1,000 रुपये कमा सकते हैं। उससे कम में लगाने के लिए नहीं बोलता कि आप 10,000 से कम लगाओ, होगी फिर अर्निंग उतनी नहीं आती तो मज़ा भी नहीं आता, फिर आप इंटरेस्ट लूज़ कर देते। तो कम से कम 10,000 अगर आपके पास है स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और 500 से 1,000 रुपये आप डेली के कमा सकते हैं। तो आप देखेंगे मंथली आपका जो अर्निंग है 10,000 लगा के भी, अगर आपने 10,000 लगा के 5,000 भी कमा लिए, मिनिमम से मिनिमम 5,000 भी कमा लिए, 3,000 भी कमा लिए आपने, तो 10,000 में 3,000 30% बनता है आपका रिटर्न। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी आप कितनी चाहते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल क्या है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 1,00,000 रुपये 1.5 लाख रुपये लगा के 15-20,000 रुपये डेली के कमा रहे हैं, बाकी तो आगे बात ही नहीं करता मैं आपसे। हाँ, लॉस भी होते हैं, उसके बारे में आगे बात करूँगा वीडियो में। ये देखिए, लॉसेज में हैपन बट कंट्रोल देम। लॉस तो हो जाएगा, लॉस तो हर जगह है, लॉस कहाँ नहीं है, लॉस तो हर जगह होता है, रिस्क हर जगह होता है, लेकिन लॉस को हम शेयर मार्केट में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं 10,000 लगाए सारे के सारे मेरे बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता। ठीक है, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, तो लॉसेज भी शेयर मार्केट में इतने बड़े नहीं होते कि आप उसको से बर्बाद हो जाओ। ठीक है, कैसे बताऊँगा मैं आपको आगे वीडियो में। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट कमाते हैं कैसे। बहुत लोग बोलते हैं भैया पैसे कमाना मुश्किल है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसे कमाना मुश्किल है। अभी शेयर मार्केट में पैसे कमाना कैसे मुश्किल है, आप देखो शेयर मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर, एक बाय करता है एक सेल करता है, ये सबको पता ही है। अगर मान लो मैंने शेयर मार्केट करी, मैंने लॉस कर लिया, मान लो 1,00,000 रुपये का मैंने लॉस कर लिया है, तो क्या वो लॉस पानी में चला गया? नहीं, वो मेरा जो लॉस है वो किसी और का क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट है। इसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम, कि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में मान लो 10,000 लोगों ने पैसा गंवा दिया, मान लिया 10,000 लोगों ने पैसा गंवा दिया, पर वो 10,000 लोगों ने पैसा गंवाया वो किसी 10,000 लोगों ने कमाया भी तो होगा, थोड़ा कि हमने पैसे लिए और दरिया में डाल दिए। ठीक है, तो ये पहली बार दिमाग से निकाल दें कि शेयर मार्केट में लॉस होता है। नहीं, एक का प्रॉफिट एक का लॉस ऐसा होता है। और अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको क्या फॉलो करना है देख लीजिए। सबसे पहले सिलेक्टेड स्टॉक्स, स्टॉक्स को सिलेक्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, ये एक आर्ट होती है जो कि आपको मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा, वरना आप मेरा कोर्स भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ लो मार्जिन। आपको जो मार्जिन मिलता है ब्रोकर से, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए, तो ब्रोकर आपको बोलेंगे कि 10,000 रुपये में आप 30,000 रुपये के 40,000 रुपये के शेयर आप खरीद सकते हो, यानी आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, 40,000 रुपये से खेल रहे हो। जब ऐसा करते हो तो ऐसे में लॉस भी फिर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ब्रोकर का मार्जिन जब से जितना पॉसिबल हो कम यूज़ करें। जहाँ श्योरिटी है 100% वहीं मार्जिन यूज़ करें, वरना मार्जिन को लो रखें हमेशा। थर्ड इज़ पेशेंस। पेशेंस जो है हमेशा पे करता है। आपने देखा था कोविड-19 जब आया था पहली बार, तो शेयर मार्केट क्रैश होके 8,300 तक चली गई थी, और आज आप देखेंगे आज की जो मार्केट है 16,000 पहुँच गई, डबल, मतलब एक साल के अंदर डबल हो गया। उस समय जिन लोगों ने पेशेंस लूज़ कर दी, जो डर गए, जो पैनिक हो गए, ठीक है, वो बहुत लोग नुकसान कर गए, और जिन लोगों ने पेशेंस रखी वो आज अपनी मनी को बचा के रख पाए और साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले गए। फोर्थ थिंग इज़ नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो आपको आती है धीरे धीरे, और साथ में मैं भी इसकी टीचिंग देता हूँ, तो अगर आपको सीखना है टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक का कैसे करते हैं तो वो आप उससे सीख सकते हैं। और नॉलेज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, यानी बैलेंस शीट का पढ़ना आना चाहिए। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और आपको फिर भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मैं इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब जो सबसे बड़ी बात है, हाउ टू अवॉइड लॉसेस, सबसे बड़ी बात ये है लॉस को कैसे अवॉइड किया जाए। लॉस को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और मिनिमाइज़ करने के लिए जो पहला टूल है हमारा वो है प्रॉपर स्टॉप लॉस। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। आपने शेयर लिया 10 रुपये का, ठीक है, आपने कहा मैं इसको 15 रुपये में बेचूंगा, ठीक है, लेकिन आपने डाउन साइड का सोचा ही नहीं कि गिर जाएगा तो क्या होगा, एग्जिट कब करूँगा। तो उसके लिए आप पहले से ही सोच के रखें कि भाई मैं 10 रुपये का शेयर लिया है, मैं 2 रुपये का यानी कि 20% का मान लो रिस्क ले सकता हूँ। तो आप उस पर एक ऑटोमेटिक ही ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, जब आप बाय करते हैं इसको लगा सकते हैं। तो आप लिख दें वहाँ पर कि 8 रुपये का स्टॉप आएगा तो मुझे बिक जाए, और 15 का आए तो बिक जाए। तो उसमें क्या होगा, अगर आपका 10 रुपये का शेयर है, अगर 15 रुपये भागता है तो आपको प्रॉफिट तो मिल ही जाना है, लेकिन किसी कारण से कुछ बैड न्यूज़ आ गई या आपका सिलेक्शन गलत हो गया स्टॉक का,
तो जैसे ही वो 10 का 8 पहुंचेगा वो आपका शेयर बिक जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपका लॉस सिर्फ 2 रुपये होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका शेयर 10 का 5 हो जाए, 6 हो जाए, 4 हो जाए, तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाने की फैसिलिटी शेयर मार्केट आपको देती है, तो डरने की बात नहीं, लॉस हो सकते हैं, उसको लिमिट हमें करना है। मोर लिक्विडिटी, आपका लॉस कब कम होगा, जब आपके पास अपना पैसा ज़्यादा होगा और मार्जिन आप कम यूज़ करेंगे, कैश में ज़्यादा हो, 50,000 रुपये आपके पास है, 20,000 का आप ट्रेड ले लो, 20,000-25,000 अपने पास रखो कि अगर ट्रेड हमारा ख़राब जा रहा है तो उसको हम एवरेजिंग भी कर सकते हैं। मान लो शेयर मैंने 10 रुपये का लिया, अब क्या हुआ वो घट गया, 8 रुपये का हो गया, मुझे 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो मैंने 8 रुपये पर और दोबारा ख़रीद लिया, तो मेरी कॉस्ट 9 रुपये हो गई। और जैसे ही वो बाउंस बैक करेगा 9 रुपये 10 रुपये जैसे ही जाएगा, तो मैं ब्रेक इवन करके प्रॉफिट भी कमा सकता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी भी काफ़ी बार 10 में से 8 बार काम आती है एवरेजिंग, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा मैं। अवॉइड पैनिक बाइंग और सेलिंग, जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी खबर पर बाय मत करो और बहुत बुरी खबर पर सेल मत करो। आपको पैनिक बाइंग और सेलिंग ही सबसे बड़ा कारण है शेयर मार्केट में लॉसेस का। बैड न्यूज़ आ गई कि भाई क्या नाम बैंक बंद हो रहे हैं, बैंकों में घोटाला हो गया, आपने शेयर बेच डाले, फिर कल को न्यूज़ आई कि उसको क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया तो शेयर का पैसे बढ़ गए। अभी अडानी के अंदर यही हुआ है, अडानी एंटरप्राइज़ में अभी बैड न्यूज़ आई थी तो शेयर 800 से करके 680 पहुँच गया था, और कुछ दिन के बाद फिर से वो वापस अपने लेवल पर 740-730 पे वापस आ गया था, अभी भी 720 पे चल रहा है वो। तो पैनिक बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है आपको, तो आपको लॉस कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा, पहली बात तो ये है हाउ टू स्टार्ट में, लर्न बेसिक टेक्निक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय अ शॉर्ट कोर्स, एक छोटा सा कोर्स कर लें जो कि शेयर मार्केट पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दे, टेक्निकल एनालिसिस पे कि लेवल क्या होते हैं स्टॉक के, कहाँ ख़रीदना कहाँ बेचना है, और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो दोनों आप कर लें तो उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आप बिना कोर्स के भी काम चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग बिना कोर्स के भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप 5,000-10,000 का कोर्स आपको कोई सिखा रहा है, ठीक है, तो आप 5,000 रुपये खर्च करके एक बेसिक शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। मैं भी आपको 5,000 रुपये का एक शेयर मार्केट का बेसिक कोर्स कराता हूँ, तो अगर आपको करना है तो वो भी मैम कर सकते हैं। सेकंड है आपका ऑब्जर्व प्राइस बिहेवियर, आपको क्या करना है, मान लो आप शेयर मार्केट में नए नए आए हैं तो आप शेयर मार्केट में कोई भी 2-3 शेयर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको समझ में आते हैं, और उनको देखिए कैसे कैसे वो क्या हो रहा है, कब बढ़ रहे हैं, कब बढ़ रहे हैं, क्या एक लेवल आ रहा है उनका, प्राइस ऊपर ही जा रहा है हमेशा या नीचे भी आ रहा है, पिछले 5 दिनों में क्या हुआ है, 10 दिनों में क्या हुआ है, ठीक है, इनके लिए मूविंग एवरेज आती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। और कीप अ टैब ऑन शेयर मार्केट न्यूज़, सबसे बड़ी बात है कि आपको न्यूज़ हमेशा अपने पास रखनी है या देखनी है, या आपको न्यूज़ से जुड़ा रहना है। बहुत सारी ऐप आ रही है, CNBC TV है आपके पास, मनी कंट्रोल ऐप है, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको फटाफट रेगुलर न्यूज़ देती हैं, और न्यूज़ का बहुत बड़ा खेल होता है शेयर मार्केट में, तो न्यूज़ को भी आपको अपने पास रखना है, जो मैंने ऐप बताई वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद अगला कि हाउ टू स्टार्ट, तो स्टार्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग का मतलब आपने शेयर लिया, प्रॉफिट आया, बेच दिया, चले गए, ठीक है, ये ट्रेडिंग होती है। और इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, आपने शेयर लिया और फिर आपने कहा चलो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद देखूंगा क्या होता है, तो वो है आपकी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ट्रेडिंग से, पर ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, 2,000-5,000-10,000 भी आप ट्रेडिंग से कमा सकते हैं एक दिन के अंदर। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है, कई बार पॉसिबल होता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको लंबे समय के लिए 3 से 6 महीने आपको शेयर को बेचना नहीं होता, उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट में अच्छा मिलता है आपको आप बेच के निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका शेयर मार्केट का बेसिक, ठीक है, और मैं आपको बताई चुका हूँ। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन शेयर मार्केट पे चाहिए, या आप शेयर मार्केट का छोटा मोटा कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको और भी शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।